कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल चौधरी एक बार फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके जीमेल ट्यूटोरियल का, जिसमें हम जीमेल के बारे में और ढेर सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जीमेल की आईडी क्रिएट करना सीखा था, तो आज हम इसमें और ढेर सारी चीजें समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है और कैसे हम इस पर काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने जीमेल आपके सामने ओपन करी हुई है, और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो हम जीमेल के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है कंपोज। कंपोज यानी किसी को भी आप कोई मेल करेंगे तो हमेशा आप कंपोज पे क्लिक करके यहाँ पर एक मेल टाइप करेंगे, पर अपने टू में आपको मेल आईडी लिखनी है सामने वाले पर्सन की। तो सामने जिसको भी आप मेल भेज रहे हैं उसकी मेल आईडी आप हमेशा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सीसी, और उसके बाद है बीसीसी। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, और बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लंट कार्बन कॉपी, यानी कि कार्बन कॉपी आप किसी को मेल में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी इस मेल को देखे, लेकिन हाँ ये मेल आपने उनको करी नहीं है, बस उनको इस मेल में रखा है, क्या मेल में डिस्कशन चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं वो आप उनको दिखाना चाहते हैं, कार्बन कॉपी उन्हें भी दे रहे हैं, तो आप उस पर्सन को सीसी में रखेंगे। और ब्लंट कार्बन कॉपी यानी बीसीसी का मतलब ये है, आप उस पर्सन को रखेंगे जिसको आप दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन सीसी और टू के पर्सन को ये नहीं बता रहे कि ये पर्सन भी इस मेल के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस तरह से करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सब्जेक्ट का, अपना सब्जेक्ट जो भी मेल का है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप ये मेल इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर अपनी मेल टाइप करेंगे। तो यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है, सबसे पहला आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन को आप जब भी क्लिक करेंगे तो एक अलग से एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप इस मेल का फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं, आप उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए, इटालियन होना चाहिए, अंडरलाइन उसमें हो ना हो वर्डिंग में, टेक्स्ट का कलर क्या हो, उसके अलावा वो राइट अलाइन हो, लेफ्ट अलाइन हो, जो आप वर्ड लिख रहे हैं वो आपके बोल्ड उसके नंबर्स पॉइंट बन के जाएँ या वो बुलेट पॉइंट बन के जाएँ। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में। अटैचमेंट का ऑप्शन, आप कुछ भी मेल के अंदर अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, कोई भी आप इमेज लगाना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, वो आप अटैचमेंट में जाके इजीली लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ इमोजीज लगाना चाहते हैं अपने इसमें, तो इमोजीज का ऑप्शन भी आपको मेल के अंदर मिल जाएगा, वो भी आप नॉर्मली बस इमोजीज को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर लगा दीजिए। ड्राइव का ऑप्शन है, यहाँ पर आपकी ड्राइव से कोई भी फाइल आपको अटैच करनी है, कोई इमेज, कोई शीट, कुछ भी आपको अटैच करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आपके ड्राइव के ऑप्शन में। डिफ़ॉल्ट आपकी ड्राइव आपकी जीमेल के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फोटोज़ का, यहाँ पर फोटोज़ आप कलेक्ट कर सकते हो, आपकी ड्राइव के अटैचमेंट की फ़ोटोज़ जो होती हैं वो सारी फ़ोटोज़, एल्बम की फ़ोटोज़, अपलोड फ़ोटोज़, या आप सिस्टम से ब्राउज़ करके लाना चाहते हैं वो सारी फ़ोटोज़, वेबसाइट से ब्राउज करके लाना चाहते हैं वो सारी, किसी भी तरह की चीज़ों को आप जो लाना चाहते हैं इमेजेस, वो आप यहाँ पे इमेजेस के ऑप्शन से लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है वो है आपका टॉगल। टॉगल यानी कि कॉन्फिडेंशियल मोड। अब आप किसी को कोई कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, यानी कोई कॉन्फिडेंशियल किसी को कुछ आप मेल भेज रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल मेल आप इस यूज़ करके भेजें। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आप जो सामने वाले पर्सन को जो मेल आपने करी है उसके अंदर ना वो किसी को फॉरवर्ड कर पाएगा, ना उस मेल की वो कॉपी बना सकता है, ना ही वो उसका प्रिंट ले सकता है, ना ही वो उस मेल को डाउनलोड कर सकता है। और यहाँ तक आप उसमें ये चीज़ें भी कर सकते हैं कि आप चाहें तो वो मेल एक द टाइम जो आप डिसाइड करेंगे उस टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी, उसके सिस्टम में से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, और उसमें चाहे तो आप पासवर्ड लगा के भी भेज सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कॉन्फिडेंशियल मेल करने का, जो आपको मेल के अंदर ऑटोमेटिकली मिलता है। पासवर्ड का ऑप्शन और एक्सपायर का ऑप्शन बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, जैसे कि आप एक्सपायर किसी को भेज रहे हैं तो इधर टाइम के बाद एक्सपायर हो गई, और पासवर्ड आप देना चाह रहे हैं कि मल्टीपल लोग एक ही मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मेल आईडी सिर्फ वो पर्सन पढ़े जिसको आप पर्टिकुलर ईमेल भेज रहे हैं, तो उस केस में आप वो मेल आईडी पर उसका पासवर्ड सिर्फ उस पर्सन को भेज दीजिए, और वो पासवर्ड जब आप उसको भेज देंगे तो वही वो पासवर्ड डाल के वो मेल ओपन कर पाएगा, और जब यहाँ से आप वो मेल भेज देंगे तो कुछ इस तरह से आपकी मेल ये शो होने वाली है वहाँ पे, बाकी सब्जेक्ट इस तरह से होगा और वहाँ पे एड्रेस लिखा होगा कि ये मेल आपकी इतनी तारीख को इतने टाइम पे एक्सपायर हो जाएगी, और उसको आप प्रिंट कॉपी डाउनलोड ईमेल कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है इंसर्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होते हैं,
मेल के अंदर सिग्नेचर आपके बने होते हैं, आप चाहें तो कोई भी सिग्नेचर आप अपने, जैसे मैंने यहाँ पर सिग्नेचर दो तीन तरीके के बना रखे हैं टेस्टिंग के लिए भी और खुद के सिग्नेचर भी बना रखे हैं। और ये कैसे बनते हैं, क्या इनका यूज होता है, हम आगे थोड़ा समझेंगे भी थोड़ा आगे जाके। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर डिफॉल्ट स्क्रीन का। अब जैसे मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट को चेंज कर दिया, मैं क्लिक करूँगा और मैं फिर से कंपोज करूँगा तो मेरी स्क्रीन थोड़ी अलग तरीके से खुलेगी। हमेशा ये आपकी एक कभी छोटी या कभी बड़ी, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिफॉल्ट में रखना चाहते हैं। अब मैंने इसको डिफॉल्ट से हटा दिया तो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो एक छोटी स्क्रीन खुलेगी। तो डिपेंड करता है, डिफॉल्ट आप सेट करते हैं। उसके बाद लेबल्स, मेल के अंदर अलग अलग तरह के लेबल्स बन सकते हैं। लेबल यानी आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की मेल इस लेबल में जाएं या इस पर्सन की मेल सिर्फ एक लेबल। लेबल यानी कि आप उन्हीं सारी चीज़ों को एक से इकट्ठा कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे जानेंगे। बाकी प्लेन टेक्स्ट मोड आपका ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप टेक्स्ट मोड को चेंज कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन है, चेक स्पेलिंग का, और यहाँ से आप अपनी मीटिंग को अलाइन कर सकते हैं। डिपेंड आप जिस मेल के अंदर ये जाके ओपन करेंगे वहाँ जाके इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी मेल के साथ आपकी ड्राइव, जो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड का ऑप्शन दिख रहा है कैलेंडर, गूगल कैलेंडर का कनेक्शन आपकी मेल के साथ ऑलरेडी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये आप काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कीप और टास्क और कॉन्टैक्ट्स, ये अदर ऑप्शंस भी आ रहे हैं, और प्लस का ऑप्शन आप और भी एड ऑन्स लगा सकते हैं। हर चीज़ को हम आगे समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, आज के लिए हम अपनी सिर्फ मेल फोकस रखेंगे। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है, जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके चाहे तो आप मेल डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल, यहाँ से शेड्यूल सेंड का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करिए। जब तक आप उसमें टू की मेल नहीं डालेंगे वो आपको शेड्यूल का ऑप्शन देगा भी नहीं। अब यहाँ पर जाइए, कोई भी मेल टाइप कर दीजिए और आपने बस शेड्यूल पर क्लिक करना है तो अब वो आपको शेड्यूल करने का ऑप्शन दे देगा। और मेल आप शेड्यूल किसी को भी किस टाइम कर सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं। वो टाइम और डेट यहाँ पर डिसाइड करके आप शेड्यूल सेंड कर दीजिए तो वो मेल ऑटोमेटिकली उस पर्सन को सेंड हो जाएगी एट द टाइम और एट द डेट पे। उसके बाद हम आते हैं अपनी मेल के ऑप्शन पे। अब हम यहाँ पर जैसे हमारे पास मल्टीपल मेल है, हम कोई भी एक मेल ओपन कर लेते हैं तो जब मेल आप खोलेंगे तो मेल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि नीचे आपका ऑप्शन दिखेगा रिप्लाई का और फॉरवर्ड का और बाकी इमोजीज का ऑप्शन, जो आप रिएक्शन दे सकते हैं मेल के ऊपर रिएक्शंस का। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, स्टार मार्क करने का, रिएक्शन का यहाँ पे भी दिखेगा, रिप्लाई का ऑप्शन भी दिखेगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे बहुत सारे, रिप्लाई, फॉरवर्ड, फिल्टर, इस तरह की मेल और जितनी सारी आपके सिस्टम में है वो फिल्टर होके आपको आ जाएंगी। बस अब यहाँ पे आपने सर्च किया और ये देखिए सारी मेल वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। उसके अलावा आपने अदर ऑप्शन देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का ऑप्शन मिलता है। यही सारी मेल इस सब्जेक्ट या इस मेल आईडी से रिलेटेड सारी मेल्स को आप ब्लॉक करना चाहते हैं ब्लॉक कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पैम करना चाहते हैं स्पैम, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं, शोज ओरिजिनल में करना चाहते हैं उस मेल को ओरिजिनल पे कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रांसलेट का ऑप्शन है। मैंने इसमें हिंदी का मोड चला क्या हुआ ट्रांसलेट के अंदर, तो आप ट्रांसलेट में हिंदी भी कर सकते हैं, अदर कोई लैंग्वेज में आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, वो चाइनीज हो, जापान हो, इटालियन, कोई अदर लैंग्वेज भी हो, तो वो आप बस ट्रांसलेट में उसकी लैंग्वेज सेट कर दीजिए, उसने क्या मेल करी वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। मार्क ऐसे अनरीड, आप अपनी मेल को अनरीड करना चाहते हैं, क्योंकि जब मेल आपकी रीड होती है अनरीड होती है तो अलग, जैसे अब ये है ये मेल एक अनरीड मेल है क्योंकि ये मुझे बोल्ड और ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये रीड हो गई। तो ऐसे ही मार्क ऐसे अनरीड आप यहाँ जाके कर सकते हैं अगर आपने गलती से उसको रीड कर लिया है। उसका अगला ऑप्शन आ रहा है इनबॉक्स का। इनबॉक्स के अंदर आपको आपकी सारी मेलें दिखने वाली हैं, जो भी कोई मेल आपको करेगा वो सारी मेल आपको इनबॉक्स के मॉल में ही दिखने वाली हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्टार का। अब आपने कोई भी मेल स्टार करी, स्टार का मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट मेल है, ज़रूरत की मेल है बहुत ज़्यादा, तो इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट पे मार्क कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है इंपॉर्टेंट का और ये ऑप्शन होता है स्टार का। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्टार पे क्लिक करके स्टार कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट पे क्लिक करके इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट पे क्लिक करके इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है स्नूज का। स्नूज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्नूज में क्या होता है कि आपने कोई मेल आपके पास आई, आपने उसको रीड करा या नहीं करा, कुछ भी ऑप्शन है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार इस पर आज वर्किंग नहीं कर सकते या इसका रिप्लाई आप अभी नहीं कर सकते, इसको आपको 10 दिन बाद रिप्लाई करना है या 20 दिन महीने बाद रिप्लाई करना है, तो उस केस में उस मेल पे आप स्नूज लगा सकते हैं। स्नूज का बेनिफिट ये होगा, यहाँ पर जब भी आप जाएंगे मेल में आपको ऑप्शन दिखेगा स्नूज लगाने का, तो आप यहाँ जाएंगे स्नूज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये स्नूज का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप पिक एंड टाइम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो जब आप जो टाइम और जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे ना और सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस दिन वो मेल आपको आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिख जाएगी।
वो मेल आपको सबसे ऊपर आ जाएगी। अब वो चाहे मेल रीड हो या अनरीड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर शो होने लगेगी आपको। तो ये स्नूज का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है आपके डिफॉल्ट, आप रिप्लाइज के यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेंड का। आपने किसी भी तरह की कोई भी मेल हो आपने सेंड करी हो तो सारी मेल आपको सेंड मेल में मिलने वाली है। शेड्यूल आपने जो भी मेल करी है शेड्यूल में आपको दिख जाएगी। जैसे मैंने एक मेल शेड्यूल करी है अभी तो मुझे शेड्यूल में शो हो रही है। उसके अलावा ड्राफ्ट, आपने कोई भी मेल ओपन करी बनाई लेकिन मेल सेंड नहीं करी ना ही शेड्यूल करी तो वो आपको ड्राफ्ट में दिखेगी। यहाँ पर जाएगी कंपोज करेंगे आप, अगर आप डिलीट कर देते हैं तो डिलीट हो जाएगी, ट्रैश में चली जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। और उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो आ रहा है यहाँ पर ऑल मेल का। ऑल मेल में आपको सारी मेलें दिखने वाली हैं, चाहे वो आपने ड्राफ्ट करी हो, चाहे वो इनबॉक्स में हो, स्टार में हो, आपको कोई भी कहीं भी हो, सारी मेल आपको ऑल मेल्स में दिखने वाली हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका स्पैम का। स्पैम में क्या दिखेगा आपको, ऐसी कुछ मेलें जो आपके इनबॉक्स में शो नहीं कर रही, ऑल मेल में शो नहीं कर रही लेकिन स्पैम में आई हुई हैं। ऐसी मेल जो जीमेल को लगता है या आपने कभी स्पैम मार्क कर दिया उनको आपके रिलेटेड नहीं है, आप चाहते नहीं ईमेल आपके पास आए तो वो आएंगी तो सही स्पैम में पड़ी रहेंगी। या फिर ऐसी मेल है जो जीमेल ने कहीं उसको जीमेल ने उसको स्पैम मार्क किया हुआ है कि ये मेल सही नहीं है, रिलेटेड नहीं है, कोई कंटेंट नहीं भेजते, गलत चीज़ें भेजते हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ें, तो वो सारी स्पैम मार्क ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। कभी भी आप नोटिस करिएगा कि किसी ने आपको कोई मेल करी और सामने वाला पर्सन आपको कह रहा है कि यार मैंने आपको मेल कर दिया आप चेक कर लीजिए, लेकिन वो मेल आपके इनबॉक्स में नहीं आई है लेकिन मेल आ चुकी है आपके पास, आप जाके स्पैम में चेक करेंगे तो मेल आपको स्पैम में मिल जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रैश का। ट्रैश का ऑप्शन आपके जो भी डिलीटेड मेल होंगी सारी आपको ट्रैश में मिलने वाली हैं। ट्रैश में यानी कि जब भी कोई भी मेल आप डिलीट करते हैं तो वो आपकी स्पैम से डिलीट करने के बाद ट्रैश में आएंगी। जब ट्रैश से डिलीट करेंगे तब वो आपकी सिस्टम से डिलीट होंगी, यानी जैसे आप सिस्टम में कुछ भी डिलीट करते हैं और वो रिसाइकल बिन के ऑप्शन में जाता है फिर आप डिलीट करते हैं तब आपका स्टोरेज खाली होता है, तो सेम चीज़ आपका इसमें भी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्राइटेरिया, अलग अलग तरह के क्राइटेरियाज बने होते हैं ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जीमेल के अंदर। सोशल का ऑप्शन है, अपडेट का ऑप्शन है, फॉर्म्स का, प्रमोशंस का। जिस क्राइटेरिया की मेल होगी वो उसी क्राइटेरिया में जाएगी और वहीं पे वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है मैनेज लेबल। अब जैसे कि आपने सिस्टम पे देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ लेबल्स बनाए हुए हैं, मैंने यहाँ पर एक टेस्टिंग लेबल बनाया हुआ है और एक बैंक लेबल बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बैंक की जितनी भी मेल है मेरे बैंक लेबल में आए और वो मेले भी जिस बैंक से रिलेटेड है उसी बैंक के मेल में आए। यहाँ पर देखिए मैंने बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया तो बैंक ऑफ इंडिया में आएगी, HDFC, IDFC, यस, जो भी बैंक मैं सेलेक्ट करूँगा मेरी वो उस कैटेगरी की मेल उसी बैंक के अंदर उसी क्राइटेरिया में दिखेंगी जिस लेवल के अंदर मैंने उसको मार्क किया हुआ है। तो ये बनाते कैसे हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल क्रिएट कर दीजिए आप। मैंने एक ABC2 नाम से लेबल क्रिएट कर दिया तो मेरा लेबल क्रिएट होकर ये आ गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा एक और लेबल क्रिएट करूंगा और Test2 के नाम से मैंने क्रिएट किया और यहां पर जाके मैंने इसको ABC2 से मर्ज कर दिया। अब ये ABC2 का एक सब लेबल बन गया। तो अब आप देखेंगे ABC2 और ABC2 का Test2 करके एक लेबल बन गया जो उसके अंदर है। अगर मैं ABC को बंद कर दूंगा तो ये देखिए ABC2 के अंदर वो दिख ही नहीं रहा मुझे, क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर है, एक सब लेबल बना हुआ है। तो सब लेवल के अंदर अब मुझे मान लीजिए Test2 में अगर मुझे कुछ मेल ऐड करनी है, अब मुझे क्राइटेरिया क्या है, मुझे Test2 के अंदर मेल्स चाहिए, मुझे कई क्राइटेरिया इसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पर जाकर एक येस बैंक क्रेडिट पे मैंने सर्च किया और एंटर कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरी येस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी मेल है मुझे यहाँ पे शो होने लगेंगी। मैं फिल्टर के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा और क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करने के बाद वो लेबल के ऑप्शन में जाके Test2 में मैं यहाँ पर Test2 पे क्लिक करके और इसको क्रिएट फिल्टर कर दूंगा तो अब इससे रिलेटेड सारी मेलें ऑटोमेटिकली जो दिखा रहा है यहाँ पर 17 मेल फिल्टर होके ऑटोमेटिकली मेरे इस क्राइटेरिया में चली जाएंगी Test2 के अंदर। तो आप ऐसे किसी की भी कर सकते हैं, आप अपने मैनेजर के लिए अलग लेवल बना सकते हैं, अपने CEO, अपने MD, अपने कलीग्स, अपने डिपार्टमेंट, जो भी चाहते हैं जिसके बाद आप बनाना चाहते हैं अपना लेवल जीमेल के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब दिखा रहा है कि स्किप दिस इनबॉक्स। अब मैंने ये जो फिल्टर बनाया है, मैंने ये जो क्राइटेरिया सेट किया है येस बैंक क्रेडिट करके, मैं चाहूँ तो इससे रिलेटेड जो भी मेल है वो स्किप हो जाए, इनबॉक्स में ना आए, सिर्फ जो मैंने जो सिर्फ लेवल बनाया उस लेवल में जाएँ, तो वो लेवल के अंदर जाएंगी। मार्क एज ए रीड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके सबको एक साथ मार्क एज ए रीड भी कर सकता हूँ, सबको स्टार मार्क करना चाहूँ स्टार मार्क कर सकता हूँ, किसी को फॉरवर्ड करना चाहूँ कि जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेल आएगी ऑटोमेटिकली किसी को फॉरवर्ड हो जाए, तो ये फॉरवर्डिंग हम कैसे करते हैं हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। तो आज के लिए इस टॉपिक को हम स्किप करते हैं और अगले ऑप्शन पर चलते हैं डिलीटेड। इससे रिलेटेड जो भी डिलीटेड मेल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। नेवर सेंड इन स्पैम, ये मेल
कभी भी स्पैम में ना जाएं, ऑलवेज मार्क इम्पोर्टेंट, नेवर मार्क इम्पोर्टेंट, या चाहे तो क्राइटेरिया में आप कर सकते हैं कि ये सारी मेल प्राइम क्राइटेरिया में रहें, सोशल में रहें या अपडेट्स में रहें, या आप यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है कि इससे रिलेटेड कितनी मेल आपने सर्च करी हुई है वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। तो ये सारे यूज़ आपके इस फोल्डर के ऑप्शन के मिलते हैं जो फिल्टर में आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे जो आ रहा है ये सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आर्काइव का ऑप्शन आ रहा है। आर्काइव यानी इन मेल्स का बैकअप लेना चाहते हैं, यहाँ से हट के ये मेल कहीं और बैकअप में जाके सेव हो जाएंगे आपके बैकअप में। उसके अलावा इनको रिपोर्ट इन स्पैम करना चाहते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था कि किसी भी पर्सन की मेल स्पैम में कब जाती है, या तो किसी ने उसको कभी स्पैम मार्क करा होगा तो आप इस तरह से स्पैम मार्क कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, आप सबको मार्क ऐसे रीड करना चाहते हैं सेलेक्ट करके रीड कर सकते हैं, स्नूज लगाना चाहें स्नूज कर सकते हैं, आप ऐड टास्क इनके रिगार्डिंग कोई टास्क लगाना चाहते हैं तो टास्क लगा सकते हैं, बाकी मूव टू इनबॉक्स कर सकते हैं, या आपको लेबल में लगाना चाहते हैं तो लेबल और बाकी थर्ड पे क्लिक करके आप मार्क एज ए रीड अनरीड इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट ऐड स्टार म्यूट और फॉरवर्ड अटैचमेंट, ये सारी चीज़ों के ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसके बाद अब हम मेल के सारे ऑप्शंस जो हमारे को स्क्रीन पे शो हो रहे थे वो हमने समझ लिए। इसमें एक ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा चैट और मीट का, यानी गूगल मीट आपका जो लाइव आपकी जो होती है मीटिंग किसी के साथ, वो ऑप्शन है जिस पर हम पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और चैट का ऑप्शन होता है आपकी जीमेल, यानी जो भी पर्सन आपकी जीमेल में है आप उनसे वन टू वन चैट करना चाहते हैं जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं, तो उस तरह की चैट आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है सेटिंग का। अब सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ऐप इन जीमेल। तो ये जो तीन ऑप्शन मैंने आपको भी दिखाए आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इनको आप हटाना चाहते हैं तो कस्टमाइज पे क्लिक करिए, यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस को हटा दीजिए और डन कर दीजिए, आपकी मेल एक बार रीलोड होगी और ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन से यहाँ से हट जाएंगे, ये आपको शो होने वाले अब नहीं है। अगर आप चाहते हो आप वो रहें आपकी स्क्रीन के ऊपर तो आपको वहाँ पर उस ऑप्शन को वापस जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए वो ऑप्शन यहाँ से हट गए। तो अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा इसमें। तो अगला ऑप्शन आ रहा है आपका डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी कि अब यहाँ पर डिफॉल्ट आ रहा है, अगर मैं कॉम्पैक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरी यहाँ पर अभी सारी अटैचमेंट में जो भी थी सब दिख रही थी, लेकिन मैंने कॉम्पैक्ट क्लिक करते ही सिर्फ अटैचमेंट है इस मेल के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रही मुझे, और कॉम्पैक्ट पे क्लिक करते ही साइज और कंप्रेस हो जाएगा और ज़्यादा मुझे मेल एक ही पेज के अंदर दिखाई देने लगेंगी। ये आपके यूजेस के हिसाब से अपना रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर थीम का ऑप्शन है, किस थीम को आप लगाना चाहते हैं आप डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर थीम सेलेक्ट हो जाएगी। बाकी डिफ़ॉल्ट हमेशा आप देखेंगे तो ये वाली आपको जीमेल में मिलने वाली है। आप ऑल में जाके पर्सनलाइज फ़ोटो भी लगा सकते हैं, डिपेंड आप जो भी सेलेक्ट करेंगे अपने ड्राइव या फोटो सिस्टम से वो आप यहाँ जाके फ़ोटोज़ में क्लिक करके सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं और यहाँ से आप उनको अपने उसमें ऐड कर सकते हैं आपके थीम्स के अंदर। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है यहाँ इनबॉक्स टाइप। इनबॉक्स टाइप में क्या है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या है इम्पोर्टेंट। अब जब मैं जैसे ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने इम्पोर्टेंट मार्क करी हुई मेल है, इम्पोर्टेंट यानी जिन पे मैंने ये एरो लगाया हुआ है सारे इम्पोर्टेंट मेल हैं, या जिन पे मैं स्टार लगाऊंगा, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट की बात हो रही है तो इम्पोर्टेंट ऊपर आएंगी बाकी नहीं। अब मैं यहाँ पर जैसे ही अनरीड पे क्लिक करूँगा अनरीड फर्स्ट, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी अनरीड मेल होंगी वो ऊपर आएंगी और बाकी सारी मेलें नीचे चली जाएंगी एनीथिंग एल्स ऑप्शन के अंदर। उसके बाद स्टार फर्स्ट, अब मैं चाहता हूँ स्टार मेल्स मेरी सबसे पहले आ जाएं, तो स्टार जिनको मैंने मार्क किया वो देखिए स्टार मेल्स मेरी सबसे पहले आ गई। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी इनबॉक्स, अपने हिसाब से आप कोई प्रायोरिटी इनबॉक्स बनाना चाहते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं। ये हमारा इनबॉक्स के अंदर जाके आता है जीमेल के आगे के ऑप्शंस में, जिनको हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए हम इस ऑप्शन को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमेशा इसको जो रखता हूँ वो अपना रखता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट पे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मुझे ज़्यादा सिंपल लगता है, जहाँ पर मेरी क्राइटेरिया वाइज मेल ऑलरेडी होती है, सोशल की अलग, प्राइम की अलग, अपडेट्स की अलग, प्रमोशंस की अलग, तो मैं उसी तरह से मेल का ऑप्शन रखता हूँ। उसके बाद आप यहाँ आ जाते हैं रीड पेन में। तो रीडिंग पेन के अंदर जो आपका ऑप्शन आता है, यहाँ पर अभी जो दिख रहा है आपको फुल स्क्रीन दिख रही है और मेल आपको शो हो रही है, लेकिन मैं जैसे ही रीड यहाँ पर करूँगा मेरे को राइट में एक इनबॉक्स आ जाएगा। ये देखिए राइट में एक इनबॉक्स आ गया। अब मैं जैसे इस मेल पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस मेल को पढ़ने का एक इनबॉक्स यहाँ पे शो होने लग गया इस मेल के अंदर क्या है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, ज़्यादातर ऑफिस वर्क में लोग यही यूज़ करते हैं,
बाकी बिलो इनबॉक्स के ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो मेल आप पढ़ना चाहते हैं, जिस पे क्लिक किया आपने, वो मेल नीचे आपको शो होगी इस तरह से। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो जो आप रखना चाहें, वो मैंने अभी नो रखा हुआ है, मैं सिंपल रखता हूँ, मेरे को जो मेल पढ़ने मैं क्लिक करूँगा और मेल के अंदर जाके मेल पढ़ूंगा। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं जो यहाँ पे आ रहा है कॉन्वर्सेशन व्यू। कॉन्वर्सेशन व्यू बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है। कॉन्वर्सेशन व्यू में क्या होता है, जब भी आपको कोई मेल रिसीव हुई, आपने कोई भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मेल आप किसी को बार बार कर रहे हैं, उस पर कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो वो मेल है कॉन्वर्सेशन व्यू क्लिक करके रखेंगे तो आपको एक साथ दिखेंगे, चाहे वो मेरा किसी भी ब्रांड का हो। जैसे मान लीजिए मेरी एयरटेल से कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो एयरटेल को जो मैंने पहली मेल करी होगी वो सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद वाली नई मेल नीचे, उससे नई मेल नीचे, उससे नई मेल उसके नीचे, यानी सबसे ओल्ड मेल सबसे ऊपर आएगी और सबसे लेटेस्ट मेल सबसे नीचे आएगी। लेकिन ये सारी मेल एक साथ शो होंगी, ये सारी एक साथ शो हो, इसके लिए हमें अपने कन्वर्सेशन का व्यू ऑन रखना पड़ेगा। अगर हम इसको ऑफ रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, जो मेल जिस क्राइटेरिया में करिए ऑटोमेटिकली उसी तरह से शो होगी वो। तो ये चीज़ के लिए हमें अपना कन्वर्सेशन का व्यू ऑन रखना पड़ता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे अपने, तो इसके लिए हमें सी ऑल सेटिंग के ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा। अब मैं ऑप्शन में आ गया हूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेटिंग के ऑप्शन में जर्नल। आज हम जर्नल के टाइप की सारी चीज़ें कवर करेंगे और आने वाले वीडियोस में बाकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अभी सबसे पहला ऑप्शन आपको इसके अंदर दिख रहा है जर्नल में लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, जीमेल की मेल आईडी की ऑटोमेटिक लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश जैसे आप मेल आईडी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश में सेलेक्ट होगा। हिंदी में करते हैं तो हिंदी कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज आपके यहाँ पे अवेलेबल है, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मेरी डिफॉल्ट इंग्लिश है और मैंने वही रखी हुई है। उसके बाद नंबर्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली कंट्री सेलेक्ट कर लेता है। मेरा नंबर इसमें जो मोबाइल नंबर डल रहा है वो इंडियन है, तो उसने ऑटोमेटिकली कंट्री मेरी इंडिया सेलेक्ट कर दी। मैक्सिमम मेल एक पेज के अंदर कितनी है चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने 1 से 25 सेलेक्ट करी हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे मैंने 25 सेलेक्ट करी हुई है। अगर मैं यहाँ जाकर इसको 100 कर दूंगा और इसको नीचे जाके सबसे लास्ट में सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर जब मैं इस मेल को रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पर देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली 100 एक ही पेज के अंदर मुझे 100 मेल शो करेगा। थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा साइज, मतलब थोड़ा सा मुझे कम दिखेगा वहाँ पर, थोड़ा ज़्यादा खुचपिच हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन देखिए यहाँ पर एक पेज में मुझे 100 ईमेल हो गई हैं। मैं चाहूँ तो नीचे ट्रैक करूँगा तो 100 मुझे एक पेज पे शो हो रही हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं अपने, तो यहाँ पर देखिए, अब अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है सेंड अंडू। अब आप किसी को मेल कर रहे हैं, आपने कोई मेल कंपोज करी, कंपोज करने के बाद आपको ध्यान आया, मेल फॉरवर्ड करने के बाद आपको ध्यान आया कि आपने जो भी मेल किसी पर्सन को करी है उसमें कुछ गलती हो गई आपसे, आपने अटैचमेंट लगाना रह गई, कुछ गड़बड़ होगी, तो ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट टाइम होता है ना वो होता है आपका 5 सेकंड का। जीमेल जो आपको डिफॉल्ट पॉइंट टाइम देता है वो 5 सेकंड का देता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम टाइम 30 सेकंड का होता है, यानी आधे मिनट तक आपकी कोई भी मेल आपने किसी को सेंड करी तो आप उसको अनसेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अंडू सेंड बोलते हैं। तो अब ये अनसेंड जो आप कर रहे हैं इसके लिए आपको हमेशा 30 सेकंड का टाइम मिल सकता है मैक्सिमम, तो आप हमेशा इसे मैक्सिमम पर रखिए, क्योंकि हो सकता है आपने मेल भेजी हो, अचानक से आपको ध्यान आया भेजते कि यार अटैचमेंट रह गई, यार मैंने उसको अटैच ही नहीं किया, उसको सीसी में नहीं रखा, उसको बीसीसी में नहीं रखा, तो ये चीज़ें आपकी विद इन हाफ मिनट के अंदर आप ठीक कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर रिप्लाई ऑल रिप्लाई का ऑप्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। जैसे आप यहाँ पे किसी मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ये रिप्लाई, यहाँ पे रिप्लाई, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली रिप्लाई सेलेक्ट करा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर ऑल रिप्लाई कर देता हूँ इसको सेलेक्ट, ऑल रिप्लाई पे क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हावर एक्शन जो आपको देता है वो आपकी क्विक मेल में है। आपको अभी मैंने यहाँ पर डिसेबल करा हुआ है, मेरे यहाँ पर मेल पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। मैं जैसे ही यहाँ पर इसको इनेबल करता हूँ, मैं यहाँ पे गया इनेबल किया, तो मेरे स्नूज का ऑप्शन, आर्काइव का ऑप्शन या अदर कुछ ऑप्शंस, वो सारे के सारे मुझे मेल में अब मेरे शो होने लगेंगे बाहर ही मेल के आउटबॉक्स पे। तो देखिए मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए मार्क एज ए रीड, डिलीट, यहाँ पर आर्काइव्ड और ये स्नूज, ये सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पर शो होने लग गए। आप उस सेटिंग्स में जाके अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा भी यही चीज़ है कि हावर में हमेशा क्या क्या ऑप्शन वो आपको देता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक बार इसको कि क्विक गिव एक्शन टू आर्काइव, डिलीट, मार्क, रीड एंड स्नूज कंट्रोल इन हावर। तो ये सारे ऑप्शन हमेशा आप इनेबल रखें, आपको यूजेस में बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मेल की जो टाइपिंग या अदर काम करने की टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। बाकी सेंड और आर्काइव का ऑप्शन आप अपनी मेल में हाइड रखना चाहते हैं, शो रखना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मेल के अंदर अपने हिसाब से टेक्स्ट लैंग्वेज चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा वो आप यहाँ के सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली।
उसके अलावा इमेज का ऑप्शन, इमेज का ऑप्शन ऑलवेज डिस्प्ले या आप ये रखिए या आस्क बिफोर डिस्प्लेइंग ये रखिए। इसमें सबसे मेजर ऑप्शन ये है कि जब भी आपके पास कोई मेल आती है उसके अंदर कोई इमेजेस हैं तो वो इमेजेस हो सकता है कि वायरस हो उनके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ों जो आपके लिए थोड़ा सस्पेशियस हो, जो हो सकता है कुछ गलत हो, जो मेल जीमेल को लगता है कि सस्पेशियस चीज़ें हैं, ये गलत हैं या इनमें वायरस है कुछ है, तो उसको आप खोलने से पहले आस्क बिफोर पर रखिए हमेशा। इसमें बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप खोलेंगे तो आपको वार्निंग मिल जाएगी कि इसमें वायरस है या सस्पेशियस चीज़ें हैं, तो आप इसको खोलने से पहले उसकी वार्निंग पढ़ सकते हैं। अगर ऑलवेज डिस्प्ले रखेंगे तो आपके मेल में क्या है वो आपको ऊपर ही दिख जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको अटैचमेंट वगैरह शो हो रही है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको वहाँ पर वो बेटर ऑप्शन मिलेगा। तो इसे हमेशा आस्क बिफोर पे रखिए एवरी टाइम। और अगर आप इसको आस्क बिफोर पे रखते हैं, ऑलवेज डिस्प्ले पे रखते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है डायनेमिक ईमेल, डायनेमिक ईमेल का ऑप्शन जो है आपका ये, तो डायनेमिक ईमेल में क्या ऑप्शन होता है कि ये आपका जब ही ऑन रहेगा तब आप यहाँ पर ऑलवेज डिस्प्ले को ऑन रखेंगे। वैसे लॉजिकली आस्क बिफोर बेटर रहता है, लेकिन अगर ऑलवेज डिस्प्ले आप ऑन रखते हैं तो आपको डायनेमिक ईमेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। डायनेमिक ईमेल में क्या है कि ऐसी कोई ड्राइव की मेल या ऐसी कोई इमेजेस या ऐसी कोई पीडीएफ आपने भेजी है, जैसे कि एक डॉक्स फाइल आपने किसी को भेजी है जिसमें आप पीछे से एडिटिंग कर रहे हैं, जिसके ओनर आप हैं, आपने उसमें कुछ भी एडिटिंग करी तो सामने वाले पर्सन को वो अपडेटेड चीज़ें ही दिखेंगी जो आपने पीछे से चेंजेस करे हैं उस डॉक्स फाइल के अंदर। ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट जो डायनेमिक ईमेल आप किसी को भेजेंगे ये उसी केसेस में कर सकते हैं जब आप ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रखेंगे। अगर आस्क बिफोर पे आप कर देंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग आपको डेवलपर सेटिंग ऑन रखने के लिए आपको ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरे में ऑन थी, क्योंकि मैं डॉक्स फाइल में किसी को मेल हमेशा भेजता रहता हूँ जिसमें मैं कुछ चेंजेस पीछे से करूँ तो सामने वाले को उसके अपडेट मिल जाए कि यार ये चेंजेस हुआ है इसके अंदर। तो डायनेमिक ईमेल आप इस तरह से भेज सकते हैं। बाकी अगला ऑप्शन ग्रामर, स्पेलिंग, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट कैप्शन, ये सारी चीज़ें आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड हैं, आपकी इंग्लिश से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑन ही रखिए क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक का, आपकी इनकरेक्ट का, आपके सेंटेंस का, ग्रामर को ठीक करने का। पर्सनलाइज में, और यहाँ पर आप देखिए स्मार्ट पर्सनलाइज, आपका जो पर्सनलाइजेशन आ रहा है वो स्मार्ट कंपोज और स्मार्ट कंपोज दो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है कि ये सिर्फ आपको शो होगा और ये सामने वाले को भी शो होगा जिसको आप भेजोगे, तो ये ऑप्शन इसके अंदर आपको आता है। उसके बाद कन्वोकेशन व्यू जो आपका आ रहा है, यहाँ पर कन्वोकेशन व्यू वही चीज़ है जो सेम मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट की मेल आपको शो होने वाली है। जस का नाइजस में क्या है, यहाँ पे आपको सजेस्टेड ईमेल टू रिप्लाई और सजेस्टेड ईमेल टू फॉलो अप, ऐसी मेल है जिनको आपको रिप्लाई करना है या ऐसी मेल है जिनको आपको फॉलो अप देना है या फॉलो अप लेना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे ऊपर ही शो होने लगेंगी आपको जब आप ये चीज़ें ऑन रखेंगे। अगर ऑफ रखेंगे जीमेल आपका ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि यार इस मेल का आपको रिप्लाई करना था लेकिन अभी तक आपने रिप्लाई नहीं करा, या इस मेल पे आपको फॉलो अप देना था या फॉलो अप लेना था लेकिन आपने अभी तक ना फॉलो अप लिया है ना ही दिया है, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिखती हैं अगर आप नाइजर ऑन रखते हैं। अगर नाइजर आप ऑफ रख देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको शो नहीं होंगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ऑन रखने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन रखने चाहिए, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, डिफॉल्ट में हमेशा ऑन रहता है। तो अगला ऑप्शन है जो हमारा वो है स्मार्ट रिप्लाई। स्मार्ट रिप्लाई क्या करता है आपका कि आपके पास कोई भी मेल अगर आपके इनबॉक्स में होती है, जैसे कि मैं यहाँ इनबॉक्स में जाता हूँ और मेरे पास कोई मेल आई हुई है किसी भी पर्सन से, अगर मैं उसके रिप्लाई करना चाहता हूँ, ऑटो रिप्लाई मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे दिखाएगा। अगर वो किसी पर्सन रिलेटेड मेल है, अगर कोई कंपनी रिलेटेड है या कोई स्पॉन्सर मेल या कुछ है तो उसका नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन हाँ आपकी का ऑटो रिप्लाई आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आप ओके रिप्लाई कर सकते हैं, उसके आंसर में इस ओके, करेक्ट, आई एम सेटिस्फाइड, फॉर जो भी जिस तरह की भी रिप्लाई उस मेल के बन सकते हैं ऑटो रिप्लाई, तो वो ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन नीचे आ जाता है आपको और वहाँ पे आप क्लिक करके ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप जब ऑन रखेंगे तो हमेशा ऑटो रिप्लाई आपका शो होगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन है प्रीव्यू पेन। प्रीव्यू पेन का ऑप्शन क्या सेम चीज़ करेगा आपके लिए, यहाँ पे जो मैंने आपको इनबॉक्स में दिखाया था कि आपकी मेल हाफ पार्ट में डिज़ाइन हो जाती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर इधर मेल आपकी दिखाई देंगे और इधर उसका प्रीव्यू दिखाई देगा आपके राइट हैंड साइड में, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन आपके आ रहा है स्मार्ट फीचर्स एंड पर्सनलाइजेशन, और स्मार्ट फीचर पर्सनलाइजेशन इन गूगल प्रोडक्ट्स।
तो अब आपकी जीमेल जो है वो स्मार्टली तरीके से वर्क करती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैट का ऑप्शन भी है, उसको गूगल मीट से भी आपने कनेक्ट किया हुआ है, उसके अलावा ड्राइव से कनेक्ट किया हुआ है, चैट वीडियो से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी मेल से कनेक्टेड होती हैं तो आपकी वीडियो जो जीमेल है वो एक स्मार्ट कनेक्टिविटी पे काम करती है। आप जीमेल से किसी के साथ कॉल रख सकते हैं, जीमेल के साथ ही किसी के साथ चैट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें आप टर्न ऑफ कर देंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, फिर आप ये चीज़ें यहाँ से नहीं कर पाएंगे। और सेम चीज़ जो नीचे ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट टर्न ऑफ का, यहाँ पर ये अदर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, गूगल के अदर प्रोडक्ट्स में आप जीमेल की कनेक्टिविटी हटाना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप ये कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं। मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि जो डिफॉल्टली सेटिंग आपको गूगल देता है वो ज़्यादातर बेस्ट रहती है। आर्टिफिशियल की कुछ बात अलग है कि कुछ सेटिंग्स को आप डिफॉल्टली चेंज कर सकते हैं, तो डिपेंड हमेशा ये करिए कि जो आपको सेटल मिली है सेटिंग उस पे जाएं और जो थोड़े बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप चेंज कर दीजिए आपके वीडियोस में देख के समझ के कि क्या आपको चेंज की ज़रूरत है उसमें। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है पैकेज ट्रैकिंग, यानी अब आपका कोई पैकेज है, आपका सेम नंबर है, उसी नंबर से आपकी जीमेल रजिस्टर्ड है और वही नंबर से आपकी मेल बनाने के साथ आपने कुछ अदर प्रोडक्ट्स मंगाए, किसी भी चाहे वेबसाइट से हो, थर्ड पार्टी वेबसाइट हो, उसको जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पैकेज ट्रैकिंग का ऑप्शन है ओनली वर्क इन योर मोबाइल फोन, नॉट वर्किंग इन योर सिस्टम एंड पीसी लैपटॉप। तो ये हमेशा आपका जो वर्क करेगा मोबाइल में करेगा, तो आप पैकेज ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोबाइल में आपने जीमेल खोल के वहाँ से इसको ऑन करके कनेक्टिविटी करी है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस। जब भी आप मेल पे काम कर रहे हैं तो आपकी बार बार मेल आएंगी, तो आपको पॉपअप चाहिए स्क्रीन पे नहीं चाहिए, या सिर्फ इंपॉर्टेंट मेल्स का पॉपअप चाहिए, या एक भी नहीं चाहिए, वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मैंने सारे टर्न ऑफ करे हुए हैं क्योंकि मैं जब भी काम करूँ और कोई मेल आए तो वो मेरे को पॉपअप ना आए, तो मैं ये हमेशा इसलिए ऑफ रखता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है स्टार्स का, तो स्टार्स का ऑप्शन है यहाँ पर, मैंने सारे स्टार्स यूज़ में करे हुए हैं। अब मैंने जो चीज़ आपको दिखाई थी यहाँ पर कि कोई भी मेल आप स्टार में मार्क करते हैं, जैसे मैंने इसको एक बार क्लिक किया तो ये येलो हो गए, डबल क्लिक करूँगा तो अलग अलग कलर आ जाएंगे। देखिए कि हर बार अलग कलर में चेंज हो रही है, अलग अलग चीज़ें हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पे डिफ़ॉल्टली यूज़ करे हुए हैं। जब आपकी मेल में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा जो येलो स्टार होगा जो मार्क करने के लिए, बाकी अदर नहीं होंगे। तो आपको ऑल स्टार पे क्लिक करके सब ऐड कर लेने हैं और उसके बाद अपने हिसाब से जो भी आपको क्राइटेरिया लगता है, जो भी उसके बाद अपने हिसाब से जो भी क्राइटेरिया आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया मेरे इस वाली मेल के लिए स्टार मार्क करने के लिए ओके रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है अलग अलग तरीके से अपनी मेल को मार्क करने के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन हमेशा ऑफ मिलेगा आपके, उसमें ये ऐसा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो आपको ऑफ मिलेगा इसको आपको ऑन करना है, और उसके बाद अपनी मेल में जाइए, कभी भी आप शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आपकी जीमेल के शॉर्टकट्स होते हैं वो एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें से आप जरूरत की चीज़ें अपने देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको आपको देख के समझने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो आने वाले वीडियोस में आपके लिए बना के दूंगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट 10-12 डेली यूज़ के शॉर्टकट आपको मेल में दूंगा मैं, और बाकी सारों का एक बार यूज़ जरूर बताऊंगा, और 10-12 आपको अलग से निकाल के PDF में दे दूंगा जंप अटैचमेंट में, जिसमें आपको यूज़ करने को मिलेगा कि ये डिफ़ॉल्ट PDF है जो आपको यूज़ करने में शॉर्टकट आपके काम आएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बटन लेबल। बटन लेबल टेक्स्ट और आइकन दो ऑप्शन में आता है, तो जैसे कि आप यहाँ मेल में जाएंगे और किसी भी मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी ये सारे ऑप्शन बटन्स में आ रहे हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको टेक्स्ट पे क्लिक करके नीचे जाके सेव चेंजेस कर दूंगा, तो ये सारे जो ऑप्शन हैं ये बटन्स की जगह अब इसके यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा, यानी वहाँ पर आर्काइव लिखा होगा, वहाँ पर रिपोर्ट स्पैम लिखा होगा, डिलीट लिखा होगा, और ये सारे ऑप्शन लिखे होंगे। अब मैं जाके देखता हूँ अपनी मेल के अंदर, तो देखिए ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो कभी भी आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं, डिपेंड आपके यूज़ पे है कि आपको आइकन ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं या आपको टेक्स्ट कंफर्टेबल लगता है। मैं हमेशा इसको आइकन पे रखता हूँ क्योंकि मुझे आइकन ही बेस्ट लगता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पिक्चर्स का, तो अपनी जीमेल पे जो हेडिंग पिक्चर आप चाहते हैं हमेशा प्रोफाइल पे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं वो। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर ऑटो कम्प्लीट। अब यहाँ पर जब भी आप कोई जीमेल किसी की लिखते हैं तो ऑटो कम्प्लीट का ऑप्शन आता है। जब भी मैं जीमेल टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई मेल टाइप कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने उसकी थोड़ी सी मेल आईडी लिखी तो मुझे वो आंसर दे देगा कि यार ये मेल आप यहाँ पर टाइप करना चाह रहे हैं। तो ये ऑटो कम्प्लीट आप करना चाहते हैं या अपने हिसाब से अपने कॉन्टैक्ट आप सेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पर ऑटो कम्प्लीट ऑन रखने पर मिल जाएगा आपको, तो हमेशा आप उसको ऑटो कम्प्लीट पर भी
रखिए। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सिग्नेचर का। अब सिग्नेचर का ऑप्शन बहुत ही जरूरी ऑप्शन होता है। सिग्नेचर क्या है कि आप जैसे कोई विजिटिंग कार्ड है आपका, आप कभी किसी को कोई विजिटिंग कार्ड देते हैं तो उसी तरह से मेल करने पे आप अपना एक मेल के साथ एक विजिटिंग कार्ड सामने वाले को दे रहे हैं, तो वो डिटेल्स नीचे होती है हमेशा। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये है, मैं इसको यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर नाम लिखना चाहूँ, मैंने यहाँ पर उसमें नाम लिख दिया। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिखना चाहूँ, जो भी नंबर है वो मैं लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैं अपना पोजीशन जो भी लिखना चाहूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा और लिखने के बाद सेव कर दूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ जाके इसको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर न्यू मेल में जब भी मैं जाऊँ तो यही मुझे शो हो, और मैं किसी को रिप्लाई करूँ तो यही मुझे शो हो। ऑटोमेटिकली मैं डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट कर दिया और सेव कर दिया। तो ये सारे ऑप्शन मैं जब भी अब कोई नई मेल कंपोज करूँगा तो ये मुझे इस तरह से दिखाने वाला है। तो ये एक आप एक विजिटिंग कार्ड कह सकते हैं। तो कैसे आप अपने कंपनी का जो सिग्नेचर बनाते हैं, अपनी मेल आईडी का सिग्नेचर कैसे बेस्ट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बेटर सिग्नेचर में होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले वीडियोस में आपको बना के दूंगा, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर बना के सिग्नेचर की वेबसाइट भी बताऊँगा, जहाँ जाकर फ्री में आप सिग्नेचर बना के यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले एक वीडियोज़ में। तो इसको हम आगे वीडियोज़ में प्रॉपर वे में जानेंगे। अभी के लिए सिग्नेचर आप नॉर्मली नाम, नंबर्स, अपनी मेल आईडी डिटेल्स डाल के अपने कार्ड की अटैचमेंट लगा के रख सकते हैं और ये सिग्नेचर इजीली बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइजेशन लेवल। पर्सनलाइजेशन लेवल क्या होता है कि जब भी आप कोई मेल कर रहे हैं किसी को, यहाँ पे मैंने कोई मेल टाइप करी, अगर वो मेल कुछ इस तरह से आ रही है, उसमें सिंगल कॉलम है लगा हुआ, तो समझ लो उस मेल में मल्टीपल लोग हैं। लेकिन अगर उसमें इस तरह से डबल कॉलम लगे हुए हैं, डबल ये लगे हुए हैं आपके ग्रेटर देन और लेस देन के साइन, तो समझ लो उस मेल में मल्टीपल लोग हैं। तो ये जो चीज़ है उस मेल में सिंगल है आप। अगर वहाँ पर डबल एरो लगा हुआ है तो समझ लीजिए उस मेल में सिर्फ आप हैं। अगर वहाँ पर सिंगल लेवल लगा हुआ है उसमें ये जो मेल है इसमें मल्टीपल लोग भी हैं इस मेल के अंदर। तो ये इसको एक डिफाइन किया हुआ जीमेल के थ्रू है, लेकिन जीमेल कहता है, आप अगर गूगल पे इसकी क्राइटेरिया जाके सर्च करेंगे तो जीमेल कहेगा नॉट इन 100%। हाँ 80-90% ये करेक्ट होता है, लेकिन 100% नहीं है ये। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आपको इसको ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं इनडायरेक्टली, और शो कराना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है स्पिनिटी। स्पिनिटी का ऑप्शन जो है आपका, अभी मैंने यहाँ पर नो स्पिनिटी करा हुआ है। तो नो स्पिनिटी का वर्क क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इनबॉक्स में गया तो मेरी किसी भी मेल के आगे आप देखेंगे तो हर मेल के सामने बस सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेल के आगे भी कोई हेडलाइन मुझे नज़र नहीं आ रही कि मेल के अंदर क्या कंटेंट है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ शो स्पिनिटी पे क्लिक करके मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो आप देखिए मेरी मेल के अंदर कंटेंट भी आ गया। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत कंटेंट देख सकता है स्क्रीन के ऊपर वो शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मुझे सिर्फ अपनी मेल का सब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं स्पिनिटी का ऑप्शन रखूंगा और शो रखूंगा तो मुझे थोड़ा कंटेंट भी दिखाई देगा मेरी मेल के अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने है आपका जो वैकेशन। वैकेशन का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब भी आप अपनी मेल यूज़ करते हैं और काम करते हैं तो वैकेशन पे कभी आप जा रहे हैं तो कोई नहीं चाहता कि वैकेशन पे वो काम करे या वैकेशन पे उसको कोई प्रॉब्लम आए, बार बार मेल्स आए, कुछ काम करना पड़े, तो उस केस का अपना वैकेशन लगा के जा सकते हैं रिमाइंडर का। तो यहाँ पर आपको क्या है कि वैकेशन रिस्पॉन्डर आपको हमेशा काम करेगा। ऑन करिए, फर्स्ट डेट डालिए, जिस दिन से आप लीव पे हैं, जिस दिन से आप नहीं चाहते आपको मेल कोई करे या उसका रिप्लाई ऑटो जनरेट करना चाहते हैं, लास्ट डेट सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट डालिए और अपनी मेल टाइप कर दीजिए और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जब आप इसको, जब भी कोई आप पर्सन आपको मेल करेगा तो ये ऑटो रिप्लाई उसको चला जाएगा कि मैं आज से इस दिन लीव पर हूँ, प्लीज़ एनी कुछ है तो आप मुझे इसके बाद में से कनेक्ट करिए या मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिए या मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। जो डिटेल आप इसमें देंगे वो डिटेल वहाँ पर उसको अवेलेबल हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है वैकेशन का। तो जब भी आप कभी लीव पे जाएं, वेकेशन पे जाएं तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है कि ओनली सेंड रिस्पॉन्ड पीपल इन कॉन्टैक्ट्स। जो भी नंबर आपकी जीमेल में कनेक्ट हैं, यानी जो मेल आपके पास कनेक्टेड ऑलरेडी हैं, जो आपकी जीमेल से कनेक्टेड हैं, उनको ये रिस्पॉन्स जाए, बाकी अदर कोई थर्ड पार्टी मेल आ रही है तो उसको ना जाए, तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर चाहते हैं जो भी मेल करें सबको, तो आप इसको
ऐड सेलेक्ट ना करें और यहाँ सेव कर दें, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रखेंगे, आने वाले वीडियोज में मैं इसकी और सारी चीज़ें, लेबल, इनबॉक्स, अकाउंटिंग, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें जो हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय। ज़्यादा से